भिलाई इस्पात मजदूर संघ यूनियन भारतीय मजदूर संघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव 3 वर्ष के लिए किया गया। प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के निर्देश एवं साथ ही मार्गदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंह की उपस्थिति में भिलाई इस्पात मजदूर संघ कार्यालय में चुनाव संपन्न कराया गया। भिलाई इस्पात मजदूर संघ यूनियन संबद्ध भारतीय मजदूर संघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव 3 वर्ष के लिए प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के निर्देश साथ ही मार्गदर्शन में इसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंह की उपस्थिति में किया गया। राष्ट्रीय सचिव भारतीय मजदूर संघ एवं उद्योग प्रभारी राधेश्याम जायसवाल अध्यक्ष एवं रविशंकर सिंह कार्यकारी अध्यक्ष तथा चन्ना केशवलू महामंत्री निर्वाचित हुए हैं। अन्य पदों में 9 उपाध्यक्ष, 10 संयुक्त महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 उपकोषाध्यक्ष एवं 26 सचिव निर्वाचित हुए हैं, जिनमें उपाध्यक्ष इंद्रमणि मिश्रा, दिनेश पांडे, सन्नी पन, शारदा गुप्ता, विनोद उपाध्याय, कैलाश सिंह, सुरेंद्र चौहान, दिल्ली राव, मृगेंद्र कुमार। संयुक्त महामंत्री में वशिष्ठ वर्मा, हरिशंकर चतुर्वेदी, प्रदीप कुमार पाल, उमेश मिश्रा, संजय प्रताप सिंह, जोगेंद्र कुमार, अनिल गजबिये, राज नारायण सिंह, भूपेंद्र बंजारे, गौरव कुमार और साथ ही कोषाध्यक्ष में रवि चौधरी और उप कोषाध्यक्ष में प्रकाश अग्रवाल। सचिव में गंगाराम चौबे, दीनानाथ जायसवाल, संतोष सिंह, जॉन आर्थर, अमित कुमार सिंह, सुदीप सेन गुप्ता, पूरन लाल साहू, मिलाप साहू, नवनीत हरदेल, नागराजू, अरविंद सिंह, राजेंद्र सिंह ठाकुर, संजय कुमार साकुरे, अखिलेश उपाध्याय, अशोक कुमार, प्रकाश सोनी, ए वेंकटरमैया, दीपक मिश्रा, काकुली दत्ता, ग्रीटल बी पॉल, होत्री प्रभाकर वर्मा, सुबोदीप सरदार, प्रशांत कुमार, आर के सोनी है। ये पत्रकार वार्ता के दौरान संघ के द्वारा जानकारी दी गई है। भिलाई इस्पात मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ से संबंध यूनियन जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत है, इसका आगामी 3 वर्ष के लिए जो है नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें श्री राधेश्याम जायसवाल जी जो भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय मंत्री हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है। मैं रविशंकर सिंह, मुझे इस यूनियन का जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही हमारे चन्ना केशवलू जी को भिलाई इस्पात मजदूर संघ का महामंत्री नियुक्त किया गया है। साथ में 10 उपाध्यक्ष, 10 संयुक्त सचिव, 26 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 1 उपकोषाध्यक्ष, कुल मिलाकर 51 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी की घोषणा प्रदेश भारतीय संघ के अध्यक्षीय श्रीमती शोभा सिंह देव के द्वारा 10 सितंबर को की गई है, 10 अक्टूबर को की गई है, जो कि आगामी 3 वर्ष के लिए कार्य करेगी। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित जितनी भी यूनियन है उसमें संविधान में धारा 32 जो है भारतीय मजदूर संघ का जुड़ा होता है, जिसके अनुसार कोई भी पदाधिकारी या कोई भी सदस्य संस्था के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसे अनुशासन भंग माना जाता है। दूसरा चीज, संस्था के संबंध में कोई भी आपत्ति या कोई शिकायत होने से संस्था के अंदर ही शिकायत करना है, और यदि उसका निराकरण नहीं होता है तो प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय भारतीय मजदूर संघ के समक्ष करना है। इसके अलावा कोई भी सदस्य या पदाधिकारी संस्था का शिकायत या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इस फोरम को छोड़ के दूसरे फोरम में यदि करता है तो धारा 32 की कंडिका 4 के अनुसार उसे अनुशासन भंग माना जाएगा। इसी धारा के अनुसार प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के निर्देशानुसार दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 15 दिन बीत जाने के बाद भी उनके तरफ से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। कारण बताओ नोटिस में जो लिखा गया था, यदि आपने कोई जवाब नहीं दिया तो आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी स्वीकारोक्ति मानी जाएगी। इसी के तहत वो दोनों को जो है पदाधिकारी और सदस्य से जो है उन्हें निष्कासित किया गया है, और सारी उनके पास भी जितनी भी जो पद था उसको जो है उनको पदमुक्त कर दिया गया है। BAMS का जो है मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय मजदूर संघ जो है मजदूरों के द्वारा मजदूरों के लिए और मजदूरों से चलाए जाने वाला संगठन है, जो मजदूरों के लिए जो है काम करता है। इस ये जो संगठन है इसका मतलब राजनीतिक संगठन नहीं है, ये शुद्ध रूप से जो है मजदूरों का संगठन है। CNN न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट।